नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव बनाए जाने की प्रक्रिया के साथ साथ परिसर की सुरक्षा का नया खाका तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर आज निर्माण समिति व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक किया गया, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा श्री राम लला के दर्शन के बीच मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बाधित न हो सके, श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए नींव बनाए जाने को लेकर खुदाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट के मुताबिक खुदाई प्रक्रिया 2 माह तक चलेगा, जिसके लिए 4 मशीनें लगाई गई हैं और आवश्यकता अनुसार अभी बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद इंजीनियरों द्वारा रिसर्च के आधार पर तैयार होने वाले मटेरियल के बीच पत्थरों से नींव भराई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन इसके पहले राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान श्री राम के दर्शन को बिना बाधित किए जाने के बीच निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल सके, इसके लिए सुरक्षा के कई अन्य मानक भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज दो सत्रों की बैठक के पहले सत्र में श्री राम जन्मभूमि परिसर में अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर स्थलीय जायजा लिया गया। तो वहीं दूसरे चरण में हुई बैठक के दौरान निर्माण समिति व जिला प्रशासन के संबंध में बैठक में मंदिर निर्माण के साथ परिसर की सुरक्षा पर चर्चा हुई। इस बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ जिला अधिकारी अनुज झा, मंडल आयुक्त MP अग्रवाल, DIG SSP दीपक कुमार व सीडीओ प्रथमेश कुमार भी मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण से पहले ही श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का नया खाका तैयार किया गया है, जिसको लेकर आज समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई है, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों के साथ किस प्रकार से ट्रस्ट का सहयोग चाहता है, इन सब विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। वही TCE और LNT ने जो अभी तक कार्य किए हैं के आधार पर नींव की खुदाई इतनी गहराई तक होनी है, इसका रिपोर्ट दे दिया गया है कि आधार पर खुदाई प्रारंभ हो गई है, उसके बाद नींव की भराई के लिए कौन कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाना है इस पर रिसर्च किया जा रहा है। 15 दिनों में रिपोर्ट इंजीनियरों द्वारा देने वाले हैं। इस दौरान लगभग 60 से 70 दिनों तक खुदाई का कार्य किया जाएगा, जिसके बाद दिए गए रिपोर्टों के आधार पर भराई का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। वहीं बताया गया कि अगले 60 दिनों के अंदर इसके आगे का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें LNT के द्वारा पत्थरों की खरीद, उसकी टेस्टिंग, दोनों कार्य समांतर चलेगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि राम मंदिर के नींव को लेकर चर्चा हुई, नींव की डिजाइन जल्द फाइनल होगी। टाटा व LNT के इंजीनियर काम कर रहे हैं और राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा पर भी मंथन हुआ। जब राम मंदिर के निर्माण होना है, उसमें सुरक्षा के निर्माण के दौरान किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, इस पर प्रशासन की उपस्थिति में यहाँ के DIG महोदय ने, दीपक कुमार जी ने अपना एक व्यू प्रेजेंट किया। अभी वर्तमान में जो सुरक्षा का स्तर है, आगे निर्माण के दौरान और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, वो कैसी होगी, किस प्रकार से उसकी योजना है, प्रशासन उस दृश्य से क्या तैयारी कर रहा है, ट्रस्ट क्या सहयोग चाहता है, इन विभिन्न विषयों पर वार्तालाप हुई है। सर, मंदिर की नींव की जो डिजाइन है वो कब तक आपको मिल जाएगी और उसके और अब तक क्या माना जा रहा है? अभी ये बैठक आज समाप्त हुई है, कल और बैठक चलेगी। TCE और LNT ने जो अभी तक काम किए हैं, उसके आधार पर नींव की खुदाई कितनी गहराई तक होनी है, इसकी एक रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है, उसके आधार पर खुदाई प्रारंभ हो गई। अब नींव की भराई के लिए कौन कौन से कंपोनेंट या इंजीनियरिंग मटेरियल्स उसमें लगेंगे, इस पर उनका अनुसंधान चल रहा है। आने वाले निकट 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर, जैसा स्वामी जी ने कहा, वो देने वाले हैं। उसके पश्चात ये है, नींव की खुदाई के पश्चात लगभग 60 से 70-75 दिनों तक ये खुदाई का काम चलेगा, काफ़ी लंबा क्षेत्र है। खुदाई पूरी होने के पश्चात फिर भराई का काम होगा, उसमें अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। नींव भराई का इंजीनियरिंग जो हमको प्राप्त होगी उस पर काम आगे चलेगा, उसके लिए समय अपने पास पर्याप्त है। तो सर, जितनी भूमि में राम मंदिर निर्माण होना है, यानी उतनी भूमि को पूरी खुदाई की जाएगी 12 मीटर तक? हाँ, जितनी खुदाई होनी है उसका दे दिया है, कितनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी भैया, वो खुदाई का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है, उस पर काम प्रारंभ हो गया। सर, कितने बाय कितने में होगा लगभग? अब ये
तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन लंबा मंदिर जितना चौड़ा है जितना लंबा है उसी के अनुसार खुदाई होगी, जितनी गहराई होगी उसकी डिटेल इंजीनियरिंग तो उनके पास है, आज से प्रारंभ हुआ है, देर से सामने आ रहा है। सर पद्धति का पता चल गया है कि पद्धति से मिलियों का निर्माण होगा, लेकिन मटेरियल पे भी चर्चा हो रही है। मटेरियल पर मटेरियल की इंजीनियरिंग पर वो विचार कर रहे हैं, TCE और LNT दोनों मिल करके ट्रस्ट के इंजीनियर के साथ उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देंगे। चेन्नई के लोगों IIT चेन्नई के साथ मिलकर के, IIT दिल्ली के साथ मिलकर के और रुड़की के साथ मिलकर के वो अपनी रिपोर्ट बना करके उस पर आगे काम करेंगे। सर बाकी काम को पूरा करने के लिए पत्थर कब से आना प्रारंभ होंगे? अभी तो तत्काल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये 60 दिनों के अंदर इस पर आगे का काम LNT पत्थरों की खरीद, उसकी पहचान, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग, इस पर काम करेंगे। समानांतर दोनों काम चलेगा, जो नींव के ऊपर पत्थर लगने वाला काम है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, उसकी परचेजिंग, मतलब उस पर LNT के लोग ट्रस्ट के साथ मिलकर के वो काम करेंगे और समयांतर्गत उसको ले आकर के यहाँ तैयारी शुरू कर देंगे। सर एक लास्ट सवाल है, परकोटे का काम भी समानांतर शुरू चलेगा कि मंदिर के बाद शुरू होगी, समान के अंदर जाने हैं? हाँ शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब नींव की खुदाई प्रारंभ हुई है वो मिट्टी हटाने का मार्ग और जो परकोटा रिटेनिंग वाल प्रारंभ करने का क्या स्थान है वो एक ही पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा रुक करके परकोटा और रिटेनिंग वाल का काम चलेगा। पहले मिट्टी हटा ली जाएगी, वो मार्ग खाली हो जाएगा, फिर रिटेनिंग वाल का काम प्रारंभ। सर केवल अंत में, कल मीटिंग में किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है? अब जी उन्होंने जो अभी तक किया है उसका प्रेजेंटेशन करेंगे वो LNT और TCE के लोग, प्रेजेंटेशन श्रीमान नृपेन की निशा के सामने प्रेजेंटेशन कर, उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे। किस तरह से आगे निर्माण नहीं अभी कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, आज जहां है उसके आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका जो खाका तैयार कर रखा है वो उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। ट्रस्ट के और पदाधिकारी शामिल होंगे कल? थैंक यू। निर्माण समिति के सभी बंधु रहने वाले हैं, महामंत्री जी रहेंगे, हमारे माननीय कोषाध्यक्ष जी गोविंद देवगिरी जी रहने वाले हैं, ट्रस्ट के जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब क्या आज जो है भूमि मतलब आज खुदाई शुरू हुई है तो उस पर कोई पूजन वगैरह भी हुआ है आज? पूजन जी जी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कार्य प्रारंभ के लिए उपस्थिति नृपेंद्र जी की रही है और सामान्य रूप से जहाँ कार्य प्रारंभ हुआ नारियल तोड़ करके उन्होंने उस काम को क्या चीज निरीक्षण परीक्षण में देखा हो पाया गया कितनी उसकी जो कल आगे निरीक्षण परीक्षण कुछ नहीं हुआ, आज चर्चा वार्ता रही है, कल उसका परिसर में जब आप तो वहाँ पर किस तरह की चीज देखी? मंडली है निर्माण समिति, LNT की हमारी मंडली है, सोमपुरा जी है, TCE वाले हैं, सबके साथ बैठ करके और सारे कार्य की अगली रूपरेखा हम लोगों ने निश्चित की है और कार्य जिस ढंग से चला है उसके बारे में हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट है कि नहीं, इसको हमने देखने का प्रयास किया। दो पर में यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी लोग आए थे उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने मंदिर के और परिसर के विकास के अनुरूप अयोध्या जी का विकास कैसे होना है इसके बारे में चर्चा की, वो एक दूसरे के लिए पूरक होने चाहिए, मैचिंग होने चाहिए, इस बात को सोचा और उसके पश्चात यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और उसमें क्या क्या हम लोगों को और पूर्ति करनी चाहिए इसका विचार किया।